ये देख मक्खी, ये निकला उस रविंदर की जेब से। मल्लिका, आप तो सोने चांदी हीरे जेवरात चुराती थी, फिर ये मोबाइल क्यों? मुझे तो उसकी नोटों से भरी जेब पे हाथ डालना था, लेकिन निकला ये। क्या करती? जो मिला वो ले आई। पर इसका करेंगे क्या? पता नहीं। पहले तो मुझे लगा कि इस लड़के को कोई जादू टोना आता है, मगर अब मुझे विश्वास हो गया कि उसे कोई जादू टोना नहीं आता। अगर उसे जादू टोना आता होता तो क्या ये मोबाइल मैं इतनी आसानी से उसकी जेब में से निकाल पाती? अगर उसने मैजिक मोबाइल का एक भी बटन दबा दिया तो उसे मैजिक मोबाइल के पावर का पता चल जाएगा। अब वाहेगुरु, आप ही रक्षा करना। मल्लिका, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, फिर ये मोबाइल की भी कीमत होगी। क्यों ना इसे हम बाजार में बेचकर पैसा कमा लें और फिर इससे सोना खरीद लेंगे। हाँ, इसे ऑन करके देखती हूँ। ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। ये तो बच्चों के खेलने वाला खिलौना है। जरूर ये टूट गया होगा, या तो फिर इसकी बैटरी लो हो गई होगी। वो रविंदर कोई जादू टोना नहीं जानता, इसका मतलब अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है। याद है ना, आज हमें फिर से उसके घर में चोरी करने जाना है। जी मल्लिका। ये मूंगफली वाली तो अंदर चली गई, क्या करूं क्या करूं। ओए, नीचे उतर। चुप चुप हो जा, रो क्यों रहा है? तुमने मुझे मारा और अब रोने भी नहीं देते हो। मैंने क्यों मारा? झूठ बोलता है। अब डांट रहे हो तो फिर मारोगे? क्यों झूठ बोलता है? चुप हो जा। क्यों फंसा रहा है यार? कोई गलती हुई तो माफ कर दे और यहाँ से जा। जाऊंगा तभी जब तुम मुझे मोबाइल वाला खिलौना दोगे मेरा। ठीक है, अभी लाके देता हूँ। हाँ। ये लो बाबा तेरा मोबाइल। मक्खी, मोबाइल कहाँ है? तुम उसे दे आए ना? क्या करता मल्लिका, उस शैतान ने हमें फंसा दिया था। आज बाल बाल बच गए, नहीं तो पुलिस वालों के सामने सारा भेद खुल जाता। इससे पहले कि हमारा भेद खुल जाए, हमें रविंद्र सदन पे हाथ साफ करना ही होगा, और ये काम हमें आज रात ही करना होगा। इसकी बैटरी तो नहीं खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता इसे चार्ज कैसे करते हैं। क्या करूं, मुझे तो मम्मी की तिजोरी की सुरक्षा भी करनी है। लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है रविंदर?
कपड़े धोने के लिए साबुन का जमीन पे लगाते हैं? अरे ये कपड़े धोने के लिए नहीं है, ये चोर को धोने के लिए, मम्मी की तिजोरी की सुरक्षा के लिए। तो इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, उन चोरों का मैं भुर्ता बना दूंगा, काम खत्म। वैसे भी बहुत दिनों से मेरे अपने हाथ पैर नहीं चलाए। खल्ली तूने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तू किसी को भी नहीं मारेगा? सॉरी यार मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, जब चोर यहाँ आएगा उसकी ऐसी बैंड बजेगी कि वो चोरी की नहीं अपनी जान की फिक्र करेगा। ये धुलाई तो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। चलो चले लाइट बंद कर दो। उत्तर को भी डालो, आ लो जी कटोरी। ओ चलो भाई ओ खाना शुरू करो भाई, वो मोरत चोरत निकलेगा क्या? मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? आज रविंद्र ने मुझे कुछ ज्यादा ही खिला दिया, इसलिए भूख नहीं है। तूने तो थोड़ा सा ही खाया था। थोड़ा? सारा तो मैंने खाया था, थोड़ा तुमने खाया था। ओए पुत्र ऐसा नहीं करते, अगर खाना नहीं खाएगा ना तो कमजोर हो जाएगा। चल खाना खा ले। हाँ मम्मी जी भूख नहीं है। मम्मा वैसे भूख तो मुझे भी नहीं लग रही है। अब तेनू भूख क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मैंने खल्ली और मिट्टी के साथ ज्यादा चाट पकौड़े खा लिया था। ये लोग जब चाट खा रहे थे तो मैं कहाँ था? ठहरो बैठो दोनों। कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम दोनों ठीक से खाना नहीं खा रहे। बाहर की चाट पकौड़ी तुम्हें पसंद है और घर का इतना अच्छा खाना पसंद नहीं आता। अगर आज के बाद तुम दोनों ने घर का खाना छोड़कर ये बाहर की चाट पकौड़ी खाई ना तो मैं तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, समझे? सॉरी मम्मा। सॉरी आंटी जी। सॉरी मम्मी जी। चलो खाना खाओ। चलो खाना खाओ। कल क्या आज ही बंद कर दो, थोड़ी ना खजाना देती हो, दसी तो देती हो बस। मुझे आपकी तिजोरी का पता चल गया है, अब मुझे जितना चाहिए वो मैं उतना निकाल लूंगा।